इंडिया टीवी आपकी आवाज। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन का अब केंद्र है और पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं प्रोक्योर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के सरबती गेहूं को तो गोल्डन ग्रेन कहा जाता है, एमपी वीट के नाम से हर जगह मध्य प्रदेश के गेहूं की साख है और कई कंपनियां अपना आटा बना के भी बेचती है तो एमपी वीट के नाम से बेचती है। हमारे पास गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं, अगली फसल भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। कई बार गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था कि इतना गेहूं कहाँ ले जाएं, लेकिन अब ये गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। हमारे संबंधित विभाग के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी बैठक में मौजूद थे। एक्सपोर्टर कंपनीज वर्चुअली हमसे सब जुड़ी हुई थी और जितनी समस्याएं आती थी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, एपिडा के चेयरमैन थे, पोर्ट से संबंधित अधिकारी थे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, सब मौजूद थे। एक्सपोर्टर से बातचीत हुई और एक्सपोर्ट करने में क्या क्या समस्याएं आती है उस पर चर्चा करके हमने कुछ फैसले किए हैं। एक फैसला हमने ये किया है कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर हम मंडी टैक्स नहीं लेंगे, प्रतिपूर्ति उसकी हम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, व्यापारियों को, उनको कर देंगे। हमने ये भी आश्वस्त किया है कि मंडी बोर्ड भोपाल में एपिडा का कार्यालय है और इसलिए मध्य प्रदेश के कृषि एक्सपोर्ट सेल के माध्यम से, हमने एक्सपोर्ट का सेल भी बनाया हुआ, उसके माध्यम से निर्यातकों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी गेहूं कहीं से खरीद सकता है, वो चाहे मंडी से खरीदे, वो चाहे मंडी के बाहर खरीदे, किसान के घर खरीदे, किसान के खेत में जाके खरीदे। मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के माध्यम से क्रय करने की सुविधा उसके पास उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में मंडी में विक्रय होने वाले गेहूं की वैरायटी और ग्रेड का भी उल्लेख किया जाता है, इसलिए उसको पता है कि कौन सी वैरायटी है, किस ग्रेड का गेहूं है। हमने ये भी तय किया है कि वो मंडी में नीलामी की प्रक्रिया और ऑनलाइन अनुज्ञा की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के माध्यम से एक्सपोर्टर स्वयं अपने किसी व्यापारी से, स्थानीय व्यापारी से पंजीयन करवा सकता है और आराम से मंडी से भी खरीद के लाइसेंस प्राप्त करके, क्रय करके वो एक्सपोर्ट कर सकता है। फसल के वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, असेंग लैब और MRL टेस्ट की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे निर्यातक को। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस को एक्सपोर्ट आधारित अधोसंरचना के लिए यदि ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी तो अस्थायी रूप से हम उसको भूमि और अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदने पर अगर उसको ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करनी पड़ी तो हम ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के लिए भी जो खर्चा आएगा उसकी प्रतिपूर्ति भी हम करेंगे। निर्धारित किस्म, ग्रेड और गुणवत्ता वाली फसल के भंडारण के लिए और प्रमाणीकरण के लिए प्रोफेशनल्स और प्रतिष्ठित एजेंसीज के साथ अनुबंध कर निर्यात के लिए स्थायी व्यवस्था भी हम बनाएंगे। जितनी सुविधाएं चाहिए थी निर्यातकों ने, हमने देने का प्रयास किया है। एक दिक्कत थी कि रेलवे के रैक मिलने में दिक्कत होती है, तो रेलवे बोर्ड ने आश्वस्त किया है कि रैक की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी,
पोर्ट पर रखने की जगह चाहिए और किसी भी पोर्ट से वो निर्यात कर सके। वो फैसला भी तय हो गया कि एक पोर्ट नहीं, कहीं से भी वो निर्यात कर सकते हैं। इन फैसलों के कारण मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश से गेहूं का निर्यात तेज़ी से बढ़ेगा, जिसका फ़ायदा किसानों को होगा।